अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे। अल्लाह का हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे, और अब सबको जुम्मा मुबारक। और अभी दिन के बज रहे दो, और अभी से जितना होगा जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे आप सबसे शेयर करने का। और दिन के बज रहे दो, और सुबह से आज बहुत ज़्यादा बिजी डे गुजरा है। इतना बिजी डे गुजरा है कि हम अपना ब्लॉग ही नहीं शुरू किए, और जैसे कि दो बज चुके हैं, नमाज हो चुकी है, और चलते अब खाना खाने, जो बहुत ज़ोर भूख लगी है। और शाम के बज गए 5:30, और फिर से मशीन निकला है, और इसी मशीन के वजह से आज सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, क्योंकि सुबह ही सुबह मशीन बनाने के लिए आए थे। उस दिन 150 चार्ज दे करके मशीन बनाया गया था, और उनके जाते साथ ही मतलब थोड़ा देर चला, फिर वही प्रॉब्लम हो गई। हम अंकल को कहे भी कि मतलब जो है आपके जाने के बाद फिर हो जाएगा, तो कहे नहीं 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 हो, और ठीक उनके जाने के बाद फिर से होगा। तो मेरी अम्मी सुबह ही उनको बुला के लेकर के आई, और इतना फिर भी सिलाया है, फिर भी किलो कवर कंप्लीट नहीं हो रहा है। और जुम्मा के दिन में खास करके थोड़ा घर फैलता है, क्योंकि काम थोड़ी ज़्यादा होती है, सब चेंज वेंज करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा काम निकलने से तो और भी ज़्यादा टाइम हो जाता है। और अम्मी मशीन चलाती है तो हमको साथ में बैठना पड़ता है। और जैसा कि कल हम बताए थे कि बूढ़ी दी का अम्मा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी फ़िलहाल बहुत पहले से बहुत बेहतर है। आ जाए उनका अम्मा बैठ के अभी, और हॉस्पिटल ले के तो गई थी, पर मतलब जो है इंजेक्शन दे के दवा दे करके डॉक्टर छोड़ दिया था वो चीज़ जिस चीज़। हाँ, और आदमी तो वो सब बतला नहीं सकता, उतना तो क्लियर नहीं कर सकता आदमी, पर फिर भी मतलब जो डॉक्टर भी यही बात बोल रहा था कि मतलब कि उनको वो इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी था, और जल्दी ज़रूरी था, जो बूढ़ी दी बहुत जल्द मतलब करवाई सब चीज़। और मतलब अच्छा हुआ जो अभी माँ यहीं थी, अच्छा हुआ जो यहीं थी। हाँ, मतलब उन गांव हमेशा आती जाती है, नज़र का सामने हुआ, झटपट काम हुआ। हाँ, क्योंकि वो जाने ही नहीं मांग रही थी डॉक्टर के पास, बूढ़ी दी जबरदस्ती लेके गई थी और टेस्ट वेस्ट करवाएगी, और ये उम्मीद भी नहीं था, बूढ़ी दी बतला रही थी, तब उनको कहे भी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सब ठीक है। और बूढ़ी दीदी जब आई तो बहुत ज्यादा बूढ़ी दी का रोना, और तो कोई भी रहेगा तो इंसान को उस जगह, माँ बाप का बात, हाँ उस जगह इंसान का फीलिंग बहुत ये हो जाता है, खास करके जो जाता है, जो डॉक्टर जब बोलता है तो उस बात में और बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि डॉक्टर जब कुछ बोलता है ना इंसान को, वो टाइम बहुत खराब होता है इंसान का। और डॉक्टर ये बात कहा कि मतलब दवा बहुत सही टाइम में उनको लगा है, अगर सही टाइम पे नहीं लगता तो जैसे उनको कुछ जो भी प्रॉब्लम हुई थी कि वो इंजेक्शन उनको 24 घंटे के अंदर ही लगने का था, और किसी को हम लोग को कुछ भी नहीं पता था कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। नहीं बोले थे, कुछ भी नहीं मालूम था। अगर 24 घंटे के अंदर वो इंजेक्शन उनको नहीं पड़ता तो बहुत कुछ हो सकता था, और वो इंजेक्शन ऐसा है कि कहीं नहीं मिलेगा सिवाय हॉस्पिटल के अलावा छोड़ के। और बैठे हैं यार, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि सब टाइम की नमाज मेरी हो गई है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को, और हमेशा सिजदों की तौफीक मांगना चाहिए कि अल्लाह को सिजदों की तौफीक अदा कर, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे वो जिस हाल में भी हो। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सुबह उठे और देखे कि अमन के साथ में है और रिज़्क उसके पास में है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, और कल भी अल्लाह देगा, अल्लाह से उम्मीद रखें। जैसे हर जानदार को अल्लाह पाक रिज़्क देते हैं, चरीन परीन, समुंदर में रहने वाली मछली, पत्थर के बीच में रहने वाले जो कीड़े होते हैं, उसको तक अल्लाह पाक रिज़्क देते हैं, क्योंकि दुनिया का जितना भी मखलूक है सबको अल्लाह पाक ही देते हैं। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या ऐसा कभी हुआ है कि भूखे मरे हैं, कि भूख की वजह से मतलब मौत आने लगी है, बहुत दिन से भूखे हैं, तो अल्लाह ताला ही सबको देते हैं, बेशक
और क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा नाशुक्री गिरी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये बेचैनी नाशुक्री क्यों कर पैदा होता है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब टीवी, इंस्टा, फेसबुक, दूसरे को देखना कि दूसरे कहाँ जा रहा है, कौन सा मॉल जा रहा है, कहाँ पर हॉलीडे मनाने जा रहा है, ये कपड़ा वो कपड़ा, ऐसा लाइफ जीना है वैसा लाइफ जीना है, इस बार हॉलीडे वहाँ मनाना है, दूसरे को देखकर मतलब सोचना कि हम परेशानी में हैं, गम में हैं, गुर्बत में हैं, ये सिर्फ कंपैरिजन होती है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय दूसरे को देख देख के कंपैरिजन होती है, इतनी डिप्रेस लाइफ हो जाती है कि इंसान हर वक्त मुसीबत, परेशानी, गम में ही मुब्तला रहता है, क्योंकि अल्लाह का वो शुक्र अदा नहीं करता है। सब्र करो, अपने अंदर पेशन रखो और अल्लाह से डर डर के रहो ताकि तुम फला पाने वाले बन जाओ। और फिर अल्लाह सुबहान तआला ने कहा कि सूरह बकरा के आयत 155 में बशारत दे दो सब्र करने वालों को, जिन्होंने लास्ट तक बर्दाश्त किया, कभी नाशुक्र का जुमला नहीं कहा और कम तर मतलब जितना हमने दिया उतना में गुजारा और कम तर मतलब जितना हमने दिया उस पर राज़ी हुआ। और तर्जुमा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि मुज़बानी जैसे हम आयत नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि देख के ही पढ़ना पड़ेगा हमको, और तर्जुमा जो है याद रहती है, इसलिए हम तर्जुमा कर देते हैं। कुछ लोग तो बहाना करते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, नमाज छोड़ के बाद जमात नमाज छोड़ के ग्रो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं जो इस्लाम में मना है, तो ये कौन सा ग्रो है? तो ऐसा ग्रो करने से अच्छा है बंदा गरीब ही रहे, और गरीब है तो पर बंदा नमाज तो पढ़ रहा है, अपना आखिरत को तो सेव कर रहा है। ग्रो करने में कोई हर्ज नहीं है, पर हर चीज़ को ले कर चलना पड़ता है। ऐसा ना हो कि अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, इसमें ग्रो करना मना है, ऐसा ग्रो करना कोई काम का नहीं है। सूरह ज़मर में चैप्टर नंबर 39 वर्ड नंबर 10 कि बेशक साबरीन को अल्लाह बेहिसाब अजर देगा, यानी सब्र करने वाला जो दुनिया में बेहिसाब सब्र किया, कभी तकलीफ में ना शुक्रगिरी नहीं किया अल्लाह से, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, यानी इतना अजर देगा, इतना अजर देगा जो इंसान कभी सोचा भी ना हो। हदीस में आता है कि एक वो जिसको सारी उम्र गम और मुसीबतें ही मिली है, इसको अल्लाह सुबहान तआला क़यामत वाले दिन लाएंगे और जन्नत की एक नहर में डुबकी लगवाएंगे और फिर निकाला जाएगा, और फिर अल्लाह पाक उससे पूछेंगे क्या तुमको कोई गम है, और बंदा बोलेगा कि अल्लाह पाक गम क्या होता है, तो आप सब समझ सकते हैं। यानी इतनी ज़बरदस्त हदीस है और इंसान को ऐसा मोटिवेट करती है, इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल आता है जो भी हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। हम हदीस पढ़ते नहीं इसलिए डीमोटिवेट रहते हैं, हम सब ज़्यादातर शैतान की चुंगल में फंसे रहते हैं जो हम सबको रोज़ बहकाता है दुनिया की उलझन में, दुनिया की मतलब काम में, ये करना है वो करना है, ये हासिल करना वो हासिल करना है। ग्रो करो, ग्रो करना अच्छी बात है, ग्रो करना ख़राब बात नहीं, पर साथ में हर चीज़ की तैयारी भी रखो, क्योंकि यहाँ हम लोग को हमेशा मुसलसल नहीं रहना है, थोड़ी बहुत भी रोज़ पढ़ना है, थोड़ी बहुत भी रोज़ जानकारी लेनी है, दीदी रोज़ पढ़ना है, ऐसा होना चाहिए। एक आयत में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं सूरह मोहम्मद में चैप्टर नंबर 47 वर्ड नंबर 71 में, हम ट्राई करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, इनमें से स्ट्राइव और पेशेंट किस में है, किन में है? तो ये ज़िंदगी का फलसफा है, मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह पाक इम्तहान लेते रहेंगे इंसान से, अल्लाह का बंदा है। क्योंकि हम सब अपनी उम्र में हम लोग क्या करते हैं कि बचपन में खेलते हैं, जवानी में फैशन करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में करियर बनाते हैं, करियर बनाने में ज़रा सा लोग सीरियस हो जाते हैं और बुढ़ापे तक सोचते हैं बहुत सारा जायदाद बना लेने, तो ये सब बात हराम नहीं है इस्लाम या मना नहीं है करना,
पर हर चीज़ का तरीका बताया गया है इस्लाम में, लाइफ जीने का तरीका बता दिया जा चुका है हम सबको। दुनिया में इस तरह रहो कि हम एक मुसाफिर हैं और हमको जाना है यहाँ से, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम गरीब हो जाएं, या इसका ये भी मतलब नहीं है कि दुनिया को बिल्कुल तर्क कर दो। अपनी सोच को सही रखो और सही फलसफा हयात में ज़िंदगी गुजारो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में तीन चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी है। एक मौत आके रहेगी, मौत से कोई भी नहीं बच सकता। दूसरा टेस्ट एंड ट्रायल एंड पार्ट ऑफ लाइफ दी वेलकम। तीसरा फर्ज हक के मुताबिक जीना, दुनिया में दिल ज़्यादा नहीं लगाना, फर्ज हक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। और जैसे कि जुम्मत आज बिरयानी ही बनती है और खाना कर रहे गर्म, क्योंकि अम्मी का टाइम हो चुका है खाना का, और टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है आज, क्योंकि अम्मी खुद ही मना कर दी थी कि उनको खाने का मन नहीं था, तो शाम को अगर कुछ भी खा लेती हैं तो खाना थोड़ा लेट से खाती हैं। और जैसे कि झाल मुड़ी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो बस वही खाई थी, और हमको कही थी कि 10 बजे उठाना खाने के लिए, तब खाना तो रखे गर्म करने के लिए, अब उनको उठाते हैं और अम्मी को खाना दे चुके, अम्मी खाना खा रही है और इतना ज़्यादा ढोल पिटा रहा है, जैसे कि मुहर्रम का टाइम है आज, जान की 2 तारीख है, बहुत ज़्यादा ढोल पीट रहे सब, और वो तो बाहर हो ही रही है, और बच्चे लोग तो इतना ज़्यादा परेशान करके रखे जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। बच्चे अब उनको ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते इंसान, क्योंकि बच्चे कुछ समझते नहीं है, उनकी खुशी की बात ही कुछ अलग होती है। और ब्लॉग का एंड अपना यहीं पर करते हैं, कल मिलते हैं एक नई सुबह और नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।